या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। मेरी लाश को मेरे परिवार वालों को सौंप देना। मैं शोभा देवी नगर मजड़ेवाड़ी नई जिंदगी का रहने वाला हूं। इस तरह की चिट्ठी लिख सोलापुर के 25 साल इरफान ने ट्रेन के नीचे आकर किया अपना जीवन समाप्त। दरअसल सोलापुर शहर के शोभा देवी नगर मजड़ेवाड़ी नई जिंदगी का रहने वाला 25 साल इरफान यूसुफ शेख बीते शुक्रवार से लापता था। परिवार वालों ने इरफान के दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार से संपर्क कर इरफान को हर जगह तलाश किया, लेकिन इरफान का कहीं पता ना लगने पर परिवार वालों ने 25 साल इरफान के लापता होने की शिकायत MIDC पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर मंगलवार 31 जनवरी शाम 6 बजने के आसपास हैदराबाद के रेलवे ट्रैक पर इरफान की लाश मिली। इरफान की जेब से एक हैरान कर देने वाली चिट्ठी पुलिस को बरामद हुई, जिसमें लिखा था कि मेरा नाम इरफान यूसुफ शेख है, मैं शोभा देवी नगर मजड़ेवाड़ी नई जिंदगी का रहने वाला हूँ और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी लाश को मेरे परिवार वालों को सौंप देना, ऐसा ही कुछ उस चिट्ठी में लिखा था। जैसे ही परिवार वालों ने यह खबर सुनी, मान लो उन पर पहाड़ ही टूट पड़ा। पूरे परिवार में गम का मातम बना हुआ है। इरफान के परिवार में उनके माता पिता और दो बेटियां हैं। इरफान ने ऐसा क्यों किया, यह अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस इस सारे मामले की तहकीक में जुटी है। सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्र उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम, हाय टेक्नॉलॉजीचे एक्स-रे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक ICU विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाडी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालयाजवळ सोलापूर।